teacher by profession. Whatever things you are taking in, I am just started sharing to my class students, because I always say be a leader, not a follower. So whenever they ask me anything that, ma'am, are we also supposed to do the same thing? I said, no, you should be a leader. Because when you are a leader, you are unique. You can do anything in your life. So sometimes I call up, it's just like Sandeep Maheshwari. So my students said, oh. आपको तो यहाँ बैठना चाहिए, इतना अच्छा बोल रहा है. Sir, I really like your theory of pragmatism, where you have said that you should ask a question to yourself before you do anything. Why I'm doing this? ये खुद से पूछना एक बहुत बड़ी चीज़ है. खुद से रोज़ एक सवाल करना, पूरे दिन के अंत में अपने आप से ये कहना कि आज मैंने क्या सीखा. It really works a lot, sir. It has given me a goal in my life. और सर मुझे लगता है, yes. Earlier I was thinking जैसे आप क्या स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हो? Yes, sir. किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हो? सर आई एम टेकिंग क्लास 6th, 7th. अभी आपसे ना बात करते करते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया आ रहा है, और आपके थ्रू मैं और जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में उनको भी शेयर करूंगा. मुझे हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है. देखो सबसे पहले क्या है, हमको प्रॉब्लम को समझना है. यस सर. जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो है ही, उसको क्रिएट नहीं करना. बहुत है, सबके अंदर है. बच्चों के अंदर बाय डिफॉल्ट क्यूरियोसिटी है, सिर्फ उस क्यूरोसिटी को सही डायरेक्शन देनी है. Yes, sir. एक है क्यूरोसिटी अबाउट थिंग्स विच डज नॉट मैटर, विच इज नॉट कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ. कि भाई कितने प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है. अगर वो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में भर भी दी तो वो किसी काम की नहीं. किसी काम की नहीं. तो एक ऐसी चीज है जो इंडिया में यहाँ पे हमारे स्कूल्स में नहीं हो रही है, लेकिन अगर ये हो जाए तो आई स्ट्रांगली बिलीव इंडिया का जो नजारा है आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर वो पूरी तरह से बदल जाएगा. देखो हो क्या रहा है, अभी जो लोग हैं स्पेशली आप लोगों की एज ग्रुप के या और बड़ी एज ग्रुप के, अगर ध्यान से अपने आसपास में देखोगे सड़कों पे यहाँ पे वहाँ पे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. Yes, sir. सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि लोग अवेयर ही नहीं है. इसकी जड़ कहाँ पर है? हमारे स्कूल्स में है. Yes, sir. स्कूल्स में ही उनको सेल्फिश बना दिया गया है कि अपने बारे में सोचो, अपने नंबर लाओ, बाकी गए भाड़ में, तुम औरों की टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें फर्स्ट आना है, सबको फर्स्ट आना है, समझ गए. तो यहां से ही उनके अंदर यह भर दिया गया है कि बाकियों को तुम्हें पीछे छोड़ना है और खुद आगे निकलना है. यही सब हमारी सड़कों पर दिख रहा है, यही सब ऑफिसेज में दिख रहा है, यही लोगों की लाइफ में दिख रहा है चारों तरफ. तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, हफ्ते में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, और वो आप अपने प्रिंसिपल से भी डिस्कस कर सकती हैं. Why not, sir? और अपने सारे टीचर्स से आप डिस्कस कर सकती हैं. एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो कि जो बच्चे हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है, उनको सिर्फ आप एक प्रॉब्लम दे करके छोड़ दो और उनको बोलोगे निकालो इसका सोल्यूशन. बच्चों को हम बेवकूफ समझते हैं, वो बेवकूफ नहीं है. 6th, 7th के जो बच्चे हैं, yes, उनको बोलो पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, या फिर सड़कों के ऊपर ये जो हॉन्किंग है वो एक प्रॉब्लम है कि लोग पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं हॉर्न बजा रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? उनको बोलो बताओ क्या है इसका सोल्यूशन. तो अब उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हो गए महीने में 4, हफ्ते में एक अगर हमने टॉपिक पकड़ा तो. एक हो गया हॉन्किंग से रिलेटेड, एक हो गया पोल्यूशन से रिलेटेड, एक हो गया मे बी स्ट्रेस से रिलेटेड कि जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस है पढ़ाई का, तो उसका क्या सोल्यूशन है, बजाय उनको बताने के. Yes, sir. बजाय उनको मशीन बनाने के, क्योंकि मशीन में क्या है, इन्फॉर्मेशन फीड करो और मशीन उस हिसाब से चलती है. हार्डवेयर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर फीड कर दो तो रोबोट बोलते हैं इसको. तो रोबोट्स नहीं बनाना है उनको, बच्चों को उनको सोचने पे मजबूर करना है. तो क्या होगा, अब वो दिमाग लगाएंगे कि हॉन्किंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और वो बच्चे खुद आइडियाज देंगे. एंड टीचर विल नॉट बी अ पर्सन जो वहां पर बैठ करके उनको बताएगी कि ये करना है वो करना है. शी विल जस्ट बी अ मॉडरेटर. वो सिर्फ जो बेस्ट आइडिया होगा उसमें से फाइनलाइज करेगी, जिस आइडिया पे सब बच्चे एग्री करते होंगे. मतलब हर बच्चे को अपना सॉल्यूशन देना है, जिस सॉल्यूशन पे सब बच्चे एग्री करेंगे वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होगा. महीने में एक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट होगा. फॉर एग्जांपल उसमें से सबने अलग अलग आइडियाज दिया कि हॉन्किंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है. उसमें से एक बच्चे ने कहा कि मैम हम क्या कर सकते हैं, स्कूल के पास में रेड लाइट है, अगर वहां पर हम सब जाएं और अपने जो पोस्टर्स हैं उसमें कुछ लिख दें और अलग अलग तरीके से जा करके वहां पर खड़े हो जाएं, या लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उस रेड लाइट पे जो भी लोग हैं अपने कानों के ऊपर कुछ बड़े बड़े से वो लगा लें. आप समझ गए, जैसे कि कुछ भी ऐसा कि यहाँ पे हमने मान लो पट्टी बांध ली, जैसे एक वो नहीं होता जब चोट लग जाती है तो व्हाइट कलर की पट्टी बांधते हैं, है ना. साथ में एक और बच्चे ने एक आइडिया दिया कि हाँ कान के ऊपर ना एक काम करेंगे, ऐसे करके रोल करके वो लगाएंगे कॉटन, उसके ऊपर लाल रंग लगा दिया, उसके ऊपर पट्टी बांध दी. इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, एक रेड लाइट पे एक क्लास के 40 बच्चे खड़े हुए हैं, 20 इधर 20 इधर, उन्होंने सबने अपने हाथ में एक एक पोस्टर लिया हुआ है और सबने पट्टी बांधी हुई है. इट इज न्यूज, मीडिया आ जाएगा वहां पर कवर करने के लिए, और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा आएगा. और इसकी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उठा करके यूट्यूब पे डाल दिया,
लेट इट गो वायरल, लेट पीपल सी कि एक टीचर क्या कर सकती है. तो ये जो एक छोटी सी चीज यहां से शुरू होगी, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, उसकी कोई हद है? इस तरह से हम अगर सोचने पे बच्चों को मजबूर कर दें, तो आने वाले टाइम में इनके आगे एक डिसीजन आएगा, आना ही आना है, कि हमें सिगरेट पीनी है या नहीं पीनी है. Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम को हम उन्हीं से सॉल्व क्यों ना करवाएं, बजाय कि उनको बोलने के कि तुमको पीनी है या नहीं पीनी है. तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को एक एंगल दिया, मतलब कि उनको एक टॉपिक दे दिया कि सिगरेट पीना बुरी बात है, ये सबको पता है, फिर भी जो कॉलेज में लड़के लड़कियां हैं वो सिगरेट पीते हैं. क्यों पीते हैं? बस बोल करके चुप हो गए, समझ गए. अब आधा घंटे का पीरियड उनके पास में है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि वो सिगरेट ना पिए? पूछो उन बच्चों से, वो आइडियाज देंगे. और ऐसे आइडियाज होंगे वो जो कमाल के होंगे, जो आप और मैं सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो फ्रेश होंगे, वो कुछ भी सोच सकते हैं. इससे क्या हो रहा है, उनकी सोचने की पावर्स डेवलप हो रही है, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप हो रही है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन पावर्स बढ़ रही है, और वो सॉल्यूशन बताएंगे और उन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा. कुछ भी हो सकते हैं, इनोसेंट से आइडियाज हो सकते हैं, कि जो ये कुछ पान की दुकानें हमारे स्कूल के आसपास में, वहां पर जाकर के हम ये कर दें, वहां पर जाकर के हम ये लगा दें. तो छोटे सा भी कुछ करवा दिया उन बच्चों से, अब क्या हुआ, उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गया, उन बच्चों को ये लगा कि अब सारे अचीवर बन गए, और टीम वर्क भी आ गया, क्योंकि जो करेंगे सब मिल करके करेंगे. तो सबके अंदर क्या आया, जो रिवॉर्ड मिला सबको मिला, सारे खुश, और वो घर पे जाकर के दिखाएंगे, देखो आज मैं ये जीत करके आया. तो अब ये किससे लिंक हो रहा है, ये जीत किससे लिंक हो रही है, दूसरों को हराने से नहीं, एक ऐसी जीत से जहां पर सबका फायदा हो रहा है, सोसाइटी का भी फायदा हुआ, क्योंकि उनके ये काम करने की वजह से हॉकिंग होना उस पर्टिकुलर रेड लाइट पे कम हो गई, लोगों को एकदम से झटका लगा, ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे ये क्या खून का कान पे लगा करके खड़े हुए हैं, और ये क्या हाथ में ले रखा है इन्होंने. तो सबकी अटेंशन ग्रैब हो गई, वहां पर एकदम से हॉर्न बजने बंद हो गए, इमेजिन करो. और उस वीडियो में नजर आएगा कि पहले क्या था, बिफोर एंड आफ्टर, जब वो बच्चे वहां पर नहीं गए थे तो क्या हालत थी, पागलों की तरह लोग धार 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 करे जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर शोर मचा हुआ था बुरी तरीके से, और जैसे बच्चे गए वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए, सब लोग बच्चों को देख रहे हैं. क्यों नहीं कर सकते ये सब, व्हाई डोंट वी थिंक इन दिस लाइन. अगर फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के अपने प्रिंसिपल से बात करते हो कि भाई ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक हफ्ते में एक दिन तो पॉसिबल नहीं है. बोलो अगर आप कहते हो हफ्ते में एक दिन आप नहीं भी अलाउ करते, महीने में एक दिन कर दो, महीने में एक दिन के लिए आधा घंटे की एक क्लास और आधा घंटे के लिए कहीं पर जाना, बस साल में 12 क्लासेस हुई. अगर इस तरह से ये बच्चे आगे बढ़े अगले कुछ सालों तक, और हर साल में ऐसी 12 सेशंस हो रहे हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, थियोरेटिकली पहले प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला फिर प्रैक्टिकली निकाला, तो जब ये बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो हमारी दुनिया कैसी होगी, लगाओ दिमाग, कैसा माइंड होगा इन बच्चों का.